हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सुरेंद्र पाल सिंह फ्रॉम दसूहा। आज आपसे बात करने आया हूँ कोरोना वायरस के बारे में। तो फ्रेंड्स, अभी जैसे मैं थोड़ा घर में बैठा था और कुछ जगह पर एक दो साथियों से मिलने का मौका मिला, और मोबाइल पे जो सोशल मीडिया में काफ़ी ज़्यादा प्रचलित हो चुका है कोरोना वायरस, और वाकया में सही में ये जो वायरस है इससे आज पूरी दुनिया डरी हुई है। तो फ्रेंड्स, मैं आपसे ये बात करना आया हूँ कि इससे हमें डरने की ज़रूरत नहीं है, हमें इसके प्रति जागरूक होने की ज़रूरत है। अगर हम जागरूक होंगे तो ये वायरस हम पर कोई इफेक्ट नहीं डालेगा। और जागरूकता के लिए हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है और इसके साथ ही जो स्टेट गवर्नमेंट्स है वो लगातार दिशा निर्देश दे रहे हैं, सरकारें पूरी तरह प्रयास में है आप सबकी जिंदगी के लिए कि हम सब इस वायरस के इफेक्ट से दूर रहें। लेकिन उसके लिए जो सबसे ज्यादा योगदान है वो हमें आपको करना होगा। जैसे जैसे भी सरकार के दिशा निर्देश आ रहे हैं हमें उनको फॉलो करना होगा, तभी हम इस वायरस के इफेक्ट से बच पाएंगे। जैसे कहा गया है कि ज्यादा भीड़ वाली जगह पर ना जाएं, बार बार अपने हाथों को हमने धोना है, घर के आसपास सभी स्थानों की हमने सफाई रखनी है, एक दूसरे से हैंडशेक नहीं करना है। तो ऐसे जो भी दिशा निर्देश सरकार द्वारा बार बार आ रहे हैं उनको अगर हम पालन करेंगे तो इस वायरस के इफेक्ट से हम बच जाएंगे। और इसके साथ साथ हमने अपने खान पीन का भी ध्यान रखना है। जैसे जी अभी एक न्यूज़पेपर आप देख रहे हैं, मैं सामने आपको दिखा पा रहा हूं, इसमें साफ लिखा हुआ है कि अगर आप विटामिन सी, फाइबर और प्रोटीन युक्त भोजन लेते हो तो ये वायरस आपको इफेक्ट नहीं कर पाएगा। ये भोजन से आपकी इम्यूनिटी पावर बढ़ जाएगी, जिसके कारण अगर आप ऐसा भोजन लेते हो जिसमें ये सभी तत्व मिलते हैं तो आपको ये वायरस इफेक्ट नहीं कर पाएगा। तो ऐसे भोजन के लिए मेरे एक साथी है जिनका नाम है डॉक्टर अमनदीप सिंह जी और डॉक्टर गुलशन जी। आइए उनसे जानते हैं कि ये भोजन सही कहां से हमें मिल पाएगा। तो डॉक्टर अमनदीप जी एंड डॉक्टर गुलशन जी, उनसे जानते हैं हम इसके बारे में। जय हरिओम साथियों, माई सेल्फ डॉक्टर अमनदीप सिंह और पंजाब से बोल रहे हैं। आज एक बहुत ही सीरियस मैटर पे बात करने जा रहे हैं। वो मैटर है कोरोना वायरस, जिससे पूरा विश्व जूझ रहा है। और इस वायरस का खतरा हिंदुस्तान में लगभग रोज डे बाय डे बढ़ता जा रहा है। उसका कारण है इम्यूनिटी पावर स्ट्रांग नहीं है। कारण और भी बहुत बड़ा है, भयंकर है वो, क्योंकि हमारी कंजस्टेड पॉपुलेशन है। अगर ये वायरस इस सिचुएशन में इंडिया में फैलता है तो बहुत ही भयानक रिजल्ट आएंगे। सो उसके बचने के लिए, उसे भयंकर रूप से डरना नहीं चाहिए, उससे बचने के लिए जो उपाय करने चाहिए वो है इम्यूनिटी पावर स्ट्रांग, और जो हो सकता है वो हो सकता है न्यूट्रिशन से। और वो बेहतरीन न्यूट्रिशन वेजिटेरियन न्यूट्रिशन हो, जिसमें कोई भी जानवर का अंश ना हो। तो वो है हमारे पास न्यूट्रीचार्ज के रूप में, न्यूट्रीचार्ज के प्रोडक्ट। ये न्यूट्रीचार्ज आदमियों के लिए, पुरुषों के लिए 14 साल से 100 साल तक एक रोज खाते हैं, पर आज के दौर में अगर हम एक महीना इसको लगातार सुबह शाम खाने से 1 घंटे बाद खा लें तो हमें इम्यूनिटी पावर ज़्यादा स्ट्रांग करने का अवसर प्रदान होगा। इसी तरह हमारी बेटियां, हमारी बहनें, जितनी भी लेडीज हैं 14 साल से लेके 100 ईयर्स तक, उसको एक सुबह शाम न्यूट्रीचार्ज लें खाना खाने के 1 घंटे बाद, तो इम्यूनिटी पावर बहुत ही अच्छे तरीके से स्ट्रांग कर सकती हैं। और साथ में ही बहुत ही जो कामकाज वाले लोग हैं जिन बिजी शेड्यूल रहता है, बहुत ज़्यादा बाहर जाके काम करना पड़ रहा है, उसके लिए उनको साथ में लेना पड़ेगा प्रोडाइट। प्रोटीन पाउडर जरूर लें ताकि मांसपेशियां, हर एक चीज वो स्ट्रांग रहे, गले में कोई भी ऐसी प्रॉब्लम ना आए। तो उसके लिए प्रोडाइट का एक सैशे सुबह और शाम पानी में मिला के लें, और थायराइड वाले, गठिए और यूरिक एसिड वाले इसको यूज ना करें।
उसके लिए भी अलग उपाय हैं, वो मेरे साथ डॉक्टर साहब है वो बाद में बताएंगे। और ऐसे ही जो हमारे नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, बच्चों को बचाने के लिए 10 ग्राम सुबह शाम हमें लगातार किड्स का प्रयोग करना पड़ेगा। दूध में डाल के दे चाहे चम्मच भर के ऐसे ही खिला दें, पर ये सीरियस मैटर है, इसको हमें लेना पड़े। ऐसे ही हमारे पास सब्जी है प्रोटीज प्लस और प्रोटीज प्लेन, इसको भी हम खाएं। और डे बाय डे अपने को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, दौड़ भाग करने के लिए एक ऐसा यंत्र हमारे पास रखें, एक ऐसी चीज हमारे पास रखें, वो है न्यूट्रीचार्ज एनर्जी ड्रिंक। रोज एक पिए, कोई भी 14 साल से ऊपर पूरा पिए और बच्चे हैं तो उसको आधा पिलाएं। तो इसी के साथ आगे की जानकारी डॉक्टर गुलशन जी मेरे पास है, वो देंगे। जय असम साथियों, माई सेल्फ डॉक्टर गुलशन कुमार, मैं आपको उसे आयत के बारे में बताता हूँ जो सर ने बता दिया कि जो हमारा इम्यून सिस्टम है अंदर से स्ट्रांग होना चाहिए और हमें कहीं ना कहीं बाहर से भी अपनी सेहत के बारे में ख्याल रखना पड़ेगा, क्योंकि हम जो है बाहर के एटमोसफियर में घूमते हैं, तो हमारा जो कई बार हमारा जो ट्रेंड है, हमारा जो तरीका है लोगों से मिलने का, एक दूसरे के साथ हम हाथ मिलाते हैं और एक दूसरे के साथ बातें भी करते हैं, तो उस हिसाब से हमें जो हाथ साफ करने के लिए बहुत ही जरूरी हमारे आसिया में आता है जिसको कि ऑरेंज हैंड वॉश के नाम से जाना जाता है। अगर हम इसको प्रॉपर यूज करें तो जैसे जो निप्पल है तो उसको दबाने से बार बार हाथ टच करने से प्रॉब्लम नहीं आएगी, तो सिंपल सा लिक्विड बाहर निकलेगा, आप हाथ को अच्छी तरह से धो सकते हैं। और इसी के साथ जो हमारा घर में यूज करने वाला जो दिव्या प्राश या चमर प्राश हम खाते हैं उसमें वो चीजें नहीं है जो हमारे आसिया में है, इसमें बहुत ज्यादा संजीवनी, जो हमारा संजीवनी प्राश है, इस संजीवनी प्राश को हम रेगुलर लें, एक चम्मच सुबह एक चम्मच शाम को गर्म पानी के साथ ले सकते हैं। इसके कारण ये हुआ कि इसमें जो एंटीऑक्सीडेंट है वो आपके गले की इन्फेक्शन को काफी दूर तक दूर कर सकते हैं, क्योंकि ये जो संक्रमण है कोरोना वायरस वो गले को पहले पकड़ता है। अगर गला ही हमारा स्वस्थ होगा जिसमें कि हमारे एंटीऑक्सीडेंट साथ में काम करेंगे और इसमें शहद डाला हुआ है जो हमारे गले के लिए बहुत ही लाभकारी होता है, तो कोरोना वायरस को हम कहीं ना कहीं दूर कर सकते हैं। इस तरह जो हम चाय बनाते हैं तो उसमें हम अपना जो चाय मसाला है अपने चाय मसालों को अपनी चाय में डाल के अगर दिन में 2 बार पिए तो इससे हमारे गले के जो संक्रमण है वो काफी हद तक दूर हो सकते हैं। इस तरीके से हम अपनी जो बीमारी कोरोना वायरस फैल रही है, हम अपने सारे डिस्ट्रीब्यूटर को कहते हैं कि वो अपनी बीमारी को बच सकते हैं और लोगों को इस बीमारी से बचा सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि ये बातों को आप फॉलो करके लोगों तक ये जन जन में ये मैसेज पहुंचाएं और सबको स्वस्थ करें। तो फ्रेंड्स, अभी जैसे जैसे हमें डॉक्टर अमनदीप सिंह और डॉक्टर गुलशन जी ने बताया हमने कौन सा आहार लेना है और किसमें हमें सही न्यूट्रिशन मिलेंगे जो हमारी इम्यूनिटी पावर को स्ट्रांग बना देंगे, तो उन्होंने बताया जेंट्स के लिए न्यूट्रीचार्ज मैन, लेडीज के लिए न्यूट्रीचार्ज वुमेन और हमारे प्यारे प्यारे बच्चों के लिए न्यूट्रीचार्ज किड्स। अगर हम इनका प्रयोग करते हैं तो यहाँ से हमें विटामिन सी भरपूर मात्रा में मिल जाएगा। और इसके साथ साथ एक सब्जी की भी उन्होंने बात की है जिसका नाम है प्रोटीज, अगर हम इसको यूज करते हैं यहाँ से हमें प्रोटीन भी मिलेगा और इसके साथ साथ फाइबर भी मिलेगा। तो अगर हम ये भोजन लेंगे तो हम कोरोना वायरस का मुकाबला कर पाएंगे। साथ में हमने सरकार के निर्देश जो दिशा निर्देश है उनको भी फॉलो करना है और खुद और अपने सभी भाई बहन और रिश्तेदारों को हमने इस वायरस से बचाना है, सबको जागरूक करना है। और हम जितना ज़्यादा लोगों को जागरूक कर पाएंगे उतना ही हम अपने देश के लिए योगदान दे पाएंगे। तो लास्ट में यही बात कहना चाहता हूं कि कोरोना वायरस से डरने की जरूरत नहीं है, बस काम करना है नंबर एक पर जो सरकारों के दिशा निर्देश आ रहे हैं उनका पालन करना है, नंबर दो पर भीड़ वाली जगह पर हमें बिल्कुल जाने से अवॉइड करना है, नंबर तीन पर हमारी जो खुराक है उसके प्रति हमें थोड़ा ध्यान देना है। और इस वीडियो को मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाएं ताकि हम मैक्सिमम लोगों की हेल्प कर पाएं।